रिश्तों की बगिया में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना चाहिए, जो सीख भले ही कड़वी देता हो पर तकलीफ में मरहम वही बनता है। नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, हमारे आसपास भी कुछ नीम के पेड़ होते हैं। नीम के पेड़ जैसे कड़वे कथन होते हैं जो हमारे अपने हमको कभी कभी तैयारी करते समय बोल देते हैं। जैसे हमारे पापा, हमारी मम्मी, बड़ा भाई, बड़ी बहन या चाचा ताऊ, हम उनसे नफरत करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। मैं तैयारी कर तो रहा हूँ, क्या करूँ, जान ले लूँ अपनी क्या। इस तरह के विचार हमारे सामने आते हैं। देखिए, उनका फर्ज है बोलना, वो बोलेंगे, और आपका फर्ज है उनकी डांट को समझना, उस डांट में से भी पॉजिटिव चीज़ों को निकाल लेना, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना। मुझे मालूम है कि कुछ बच्चे टूटे हुए हैं अंदर से बहुत ज़्यादा, एक्चुअली वो खुद से हार चुके हैं। बस एक बात बच्चों याद रखना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आप अपने मन से हार गए तो शायद आपको जीत ना मिले, तो प्लीज़ मन से मत हारिए। मोटिवेशंस वीडियो वॉच करिए, कुछ ऐसी कोटेशन पढ़िए, इंटरव्यू देखिए जिन्होंने स्ट्रगल करा हो। जैसे दशरथ मांझी, क्या था उसके पास, कुछ नहीं, फिर भी नाम हुआ ना। तो इस तरह की कुछ ना कुछ भी मूवी देखिए, खुद को मोटिवेट रखिए, और अपनों से प्लीज़ नफरत मत करिए। मुसीबत में आपके अपने ही काम आएंगे। अगर आंसू अगर आपके अकेलेपन में निकलते हैं तो शायद पहला हाथ उस इंसान का होगा जो आपका अपना होगा। बेटा रो मत, हम तेरे साथ में हैं। आज रिजल्ट बेकार आया तो कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो, पढ़ो, तैयारी करो। इवन वो लोग यहाँ तक कह देते हैं कि कोचिंग और लेनी है, मैथ कमज़ोर था तेरा, ये ले बेटा पैसे ले ले, कोचिंग कर ले जा, किताब चाहिए ये पैसे ले ले, कोचिंग कर ले। सब सपोर्ट मिलने के बाद भी हमारी तैयारी में कमी है, और वो कमी किसके द्वारा आ रही है, हमारे द्वारा। क्यों? क्योंकि हम लोग ईमानदारी से नहीं पढ़ पा रहे। सारा खेल है रिविजन का, सारा खेल है एकाग्रता का। जब भी पढ़ें 100% उस पर ध्यान रखें। अड़ोसी पड़ोसी, फेसबुक, व्हाट्सअप, इन सबसे बाहर निकलो। इन सबसे बाहर निकलोगे तभी दुनिया बनेगी। दीजिए अपना 100%, ऑल द बेस्ट। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाग 39 2013 में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। और मुझे ये भी पता है कि कुछ लोगों को मेरी बातें शायद बहुत कड़वी लग रही होंगी, या फिर अभी उनका कमेंट्स आएगा, सिर्फ फालतू बातें मत करा करो, सीधे मुद्दे की बात करा करो, पेज पढ़ो, खटाखट शुरू हो जाऊँ मशीन की तरह। तो बच्चों, मैं मशीन नहीं हूँ और ना ही मैं मशीन बनना पसंद करता हूँ। तो फ्रेंड, मशीन जैसे काफ़ी सारे वीडियो, काफ़ी सारे चैनल यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे जो कट टू कट आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो आप उनको फॉलो करिए। और चलिए शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो। देखिए, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि। आपने नाम सुना होगा, पतंजलि रामदेव। रामदेव क्या करवाते हैं? योग करवाते हैं। तो इस तरह से इस चीज़ को आप याद कर सकते हैं, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि। अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है इस पेज में, जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, वो ये कि चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो ये हराया था हुमायूं को। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। और उसके बाद हम बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका सिक्किम। मानव पित्त, जिसे बोलते हैं बाइल, अम्लीय होता है। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका विधायिका के अधीनस्थ है। पिछोला झील उदयपुर में स्थित है, और विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले संगम राजवंश का शासन था। एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि विजयनगर पर सबसे पहले अधिपत्य किसने स्थापित करा? अधिपत्य मतलब अधिकार, तो वो था आपका संगम राजवंश। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला एल्फांसो डी अल्बू कर्क या अल्बू कक ने रखी थी। चांद बीबी ने बीजापुर में शासन किया था। कबीर रामानंद के शिष्य थे, ठीक है? रामानंद के शिष्य थे कौन? कबीर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की संज्ञा दी थी महात्मा गांधी ने। और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिलीनैक्स भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निशस्त्र लोगों की भीड़ पर अफसर जनरल डायर ने गोलीबारी का आदेश दिया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित किया गया और भारत के राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोधी था। भांगड़ा पंजाब का एक प्रसिद्ध नृत्य है। कहते हैं ना भंगड़ा पाले, भंगड़ा पाले, पाले का मतलब क्या हुआ? सरदार, सरदार का मतलब पंजाब, तो याद रखना ऐसे। मोनाजाइट थोरियम का खनिज है और हिमालय पर्वत का भारतीय क्षेत्र में उच्चतम शिखर गॉडविन ऑस्टिन है। गेहूं का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। शांति निकेतन के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर थे। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष की आयु तक। भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक और लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। गीता रहस्य नामक जो ये बुक है, इसके राइटर कौन है? लोकमान्य तिलक। उसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल। देखिए मैप में पश्चिम बंगाल कहाँ पड़ता है, एक बार आपके पास पढ़ते समय एक एटलस या एक ऑक्सफोर्ड का एटलस होना चाहिए। उसमें आप जब भी आपको मौका मिले कोई नई राज्य, नया स्टेट, नई कंट्री, नई रेखा, नई रिवर, जब भी आप पढ़ते समय देखें तो तुरंत उसको एक बार टैली कर लीजिए मैप के साथ में, तो आपकी स्टडी क्या होगी, इस तरह से स्ट्रांग हो जाएगी। बात करते हैं राज्य पश्चिम बंगाल के बारे में। राजधानी इसकी कलकत्ता है। जनसंख्या घनत्व 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। स्त्री पुरुष अनुपात है 947 प्रति 1000 पुरुष पर। और विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 294, राज्यसभा 16, लोकसभा 42। उसके बाद हम बात करते हैं आगे पेज नंबर 127 की। IRCTC का तात्पर्य क्या है? IRCTC की फुल फॉर्म क्या है? देखिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है? तो इसका फुल फॉर्म है आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। रेलवे से संबंधित आपके रेलवे के एग्जाम में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन बनेंगे। पहली विद्युत रेलवे का नाम क्या है, ट्रेन का नाम क्या है, तो ये सब जो बेसिक जीके है आपके रेलवे से संबंधित, वो इसी बुक के पहले या दूसरे पेज पे आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप अपनी बुक को ओपन करिए, अदरवाइज पहला दूसरा वीडियो इस चैनल पे आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाके आप उन सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका एंडोस्कोप यंत्र से शरीर के अंदरूनी अंग की जाँच की जाती है। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। रेफ्रिजरेटर जो होता है जिसको बोलते हैं फ्रिज, में जो कूलिंग होती है कूलिंग के रूप में फ्रियॉन 12 का प्रयोग किया जाता है। ये गैस का नाम है इसका, इसमें प्रयोग करा जाता है जिसके द्वारा पूरा फ्रिज क्या होता है, ठंडा करता है हर चीज को। कैनियन, कैनियन मतलब एक दर्रा है, इसका निर्माण ग्लेशियर द्वारा होता है। अंतिम मुगल शासक था आपका बहादुर शाह जफर। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और बात करें AVM के फुल फॉर्म, ये वैसे मैंने लगाया नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी याद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बुद्ध की जो डेथ होती है, मृत्यु जो हुई है, उस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो है आपका सुंदरवन डेल्टा। और उसके बाद में एलिसा टेस्ट जो होता है वो होता है HIV का परीक्षण। अगर किसी को HIV के कुछ सिम्टम आते हैं बॉडी में, उसको लगता है कि मुझे HIV तो नहीं हो गया, तो उसके लिए कराया जाता है एक टेस्ट जिसका नाम है एलिसा। हाइड्रोजन बम नाभिक के संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग आर्द्रता के स्तर को मापने में किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि संपत्ति बाजार में भूमि एवं रियायती क्षेत्र को रियल इस्टेट कहा जाता है। विश्व संस्था IMF को वर्ल्ड बैंक की मृदु ऋण खिड़की, मतलब मुलायम कर्ज देने वाली खिड़की के रूप में जाना जाता है। किसको? विश्व संस्था IMF को वर्ल्ड बैंक की। कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। राज्य की मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेह है। मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि तरंग सुन सकता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। और भारत का प्रमुख बंदरगाह तूतीकोरिन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है। RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है।
द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल परीक्षक को प्रदान किया जाता है, मतलब कि जो कोच होते हैं, टीचर होते हैं, उनको मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य कौन थे? पांडवों के गुरु, जिन्होंने अर्जुन को तीरंदाजी दिखाई सिखाई, ये सब चीज़ें जो टीचर थे उनके पांडवों के, उनका नाम द्रोणाचार्य। तो ये टीचर वाली श्रेणी में ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए, आग से लोहा के छड़ को गर्म होना ऊष्मा का संचरण है। मेघदूत के जो रचनाकार हैं वो हैं कालिदास, और लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना पंडित सामाजी कृष्ण वर्मा ने करी थी। प्राकृतिक रूप से लिटमस नीला रंग का होता है। प्रिंटिंग थोड़ी सी फेड है, क्योंकि बुक ही फेड थी, बुक में प्रिंटिंग फेड थी, तो कैसे हो पाती स्कैनिंग। जम्मू कश्मीर, राजधानी श्रीनगर, ग्रीष्मकालीन, जिला 22, विधानमंडल 299, विधानसभा सदस्यों की संख्या 100, विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 36, लोकसभा 6, राज्यसभा 4। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 128। आयुर्वेद की उत्पत्ति अर्थर्वेद से हुई है, इसको अर्थवेद भी कहते हैं कभी कभी एग्जाम में। देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में कब्जा किया था, और 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने हराया था। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। सेकंड श्रेणी के शयन यान कोच में 72 सैयां होती है, मतलब स्लीपर जो होते हैं, बेड होते हैं जिसमें लगे हुए। आपने देखा होगा स्लीपर क्लास में आप अपना बेड को ऊपर खींचते हैं, उसे टांगते हैं, उसमें भी सो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो उसमें टोटल कितनी सैयां होती है? तो उसमें होती है 72। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला है, अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु फोटोमीटर यंत्र का उपयोग होता है, और लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल होता है। प्रथम एशियन गेम भारत में आयोजित हुआ था, और अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे को अपनी गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया था। चमगादड़ जो होते हैं अंधेरे में अल्ट्रासोनिक तरंग की मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं, किसी से टकराते नहीं हैं। अगर आपने देखा होगा कि चमगादड़ आपके सर के आसपास गुजरते हैं, कई बार आपसे थोड़ा सा टच हो भी जाते हैं, आप डर जाते हैं, लेकिन आपसे वो टकराते कभी भी नहीं हैं। वो जनरेट करते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगे। ये तरंगे उनको ये आभास कराती है कि सामने कोई वस्तु आने वाली है, उससे वो टकराने वाले हैं, वो उस वस्तु से साइड अपने आप ही हो जाते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने कि लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के समय घातक चोट पहुंची थी। भारत के पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी हैं, और ब्राजील में विस्तृत कॉफी बगान को एजेंडा कहा जाता है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। जय जवान जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाता है। उसके बाद इसी पेज पे हम बात करते हैं, इस तरफ आयन अकबरी पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। राष्ट्रीय दूरवर्ती संवेदी एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। फरक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल में है। रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। महाबलेश्वर हिल स्टेशन महाराष्ट्र राज्य में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। एशियाई शेरों के लिए विख्यात गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। देवदास के रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में गजनी ने लूटा था। तुगलकनामा को अमीर खुसरो ने लिखा है। आगरे किले को मुगल शासक अकबर ने बनवाया था। गांधार कला स्कूल कुषाण काल के दौरान फली फूली थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र माइक्रोस्कोप है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अगला हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं, और श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है, और राष्ट्रीय दूरवर्ती संवेदी एजेंसी जिसको बोलते हैं NRSA हैदराबाद में स्थित है। फरक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। रिकेट्स रोग जो होता है विटामिन डी की कमी के कारण से होता है। विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी। ये तो बात मैं एक्चुअली कई बार अपने वीडियो में बोल चुका हूँ, और अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखे हैं या फिर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिछले वीडियो में आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि देखना जरूर एक बार। प्लेलिस्ट में जाइए, इस बुक को अपने पास में रखिए, जो जो पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए।
महाबलेश्वर हिल स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। गिरवाला ये हमारा पहले कवर हो चुका है शायद। हाँ, देवदास के रचनाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। सोमनाथ मंदिर को 1025 में गजनी ने लूटा था। तुगलकनामा को अमीर खुसरो ने लिखा है। आगरे के किले को मुगल शासक अकबर ने बनवाया था। और फ्रेंड ये सब शायद मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ। हम बात कर रहे फिलहाल, हाँ, अरुणाचल प्रदेश। हाँ, राजधानी थी इसकी ईटानगर। थोड़ा सा मिक्सअप हो गया क्योंकि मैंने वीडियो को थोड़ा सा क्लोज कर दिया था, उसको मैंने फिर ऐड करा, एक नई वीडियो बना करके उसको मैं मर्ज करूँगा। थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन मुझको रही, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। चलिए, हम थे ईटानगर पर। जनसंख्या घनत्व 17 प्रति वर्ग किलोमीटर, लिंगानुपात 920, कुल साक्षरता दर 66, पुरुष साक्षरता दर 73, महिला साक्षरता दर 59, जिलों की संख्या है 19, विधानमंडल एक सदनीय, विधानसभा सदस्यों की संख्या 60, राज्यसभा एक, लोकसभा एक। पेज नंबर 129। थोड़ा सा पेज फैड है, प्रिंटिंग क्वालिटी थोड़ी खराब है क्योंकि बुक में ये दिक्कत है। बात करते हैं समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेश। 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है। जाली दस्तावेजों का पता किस प्रकार की रेस के द्वारा लगाया जाता है? तो वो होता है पराबैंगनी किरण। टेस्ट मैच में विकेटों की हैट्रिक लेने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? हरभजन सिंह। मेघना गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियों की सम्मिलित धारा है। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल से जुड़ा है। वर्णार्थ व्यक्ति लाल और हरे रंग के बीच में अंतर नहीं देख पाता। और तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। ठोस का सीधे वाष्प में परिणत होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जल संरक्षण दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। गुजरात विजय की यादगार में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था। गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी सोन है। गाजर विटामिन ए का संपन्न स्रोत है। और सापेक्षता का सिद्धांत को आइंस्टाइन ने प्रतिपादित किया था। हॉटमेल का सृजन सबीर भाटिया ने किया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिग वेली थे। सिरका मतलब विनेगर एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। और पानी का पृष्ठतनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। भोपाल गैस की जो त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस का जो एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया वो कौन सी गैस थी, उस गैस का नाम बताइए। उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइट। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। और तीसरी बोध संगीति किसने कराई थी? कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है, तो वो कराई थी अशोक ने। फोर्स किसने कराई थी? कनिष्क ने। सख संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना होता है आपका फाल्गुन। बात करते हैं उत्तराखंड, राजधानी देहरादून, विधानमंडल एक सदनात्मक, विधानसभा सदस्यों की संख्या 70, लोकसभा 5, राज्यसभा 3। तो फ्रेंड, आगे के पेज 130 से हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड तक फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इसको प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। और कॉम्पिटिशन्स लाइन में प्लीज़ हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जीतना है तो खुद को मोटिवेट करिएगा, मोटिवेशन बुक पढ़िएगा, अच्छे अच्छे दोस्तों से मिलिएगा। जरूरत से ज़्यादा जो इंसान नेगेटिव बोले उसको अपनी फ़ोन बुक से ब्लॉक करिएगा। और किसी के जाल में आपको फंसने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ला, मैं तेरी जॉब लगवा देता हूँ, 4 लाख में रेलवे में मैं तेरा सिलेक्शन ला दूंगा। ये सब बातें अब काम की नहीं है। पहले कभी होता था पैसे दे के सिलेक्शन होता था, अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर यकीन नहीं आता तो उन सब लोगों की बातों में फंस कर देख लो, क्योंकि मेरे चैनल पर भी कमेंट्स कुछ लोगों ने स्टेप से करे, मोबाइल नंबर शेयर करे, लोगों ने आपस में फ़ोन पे बात भी करी है कई बच्चों ने, और शायद उनमें से कोई फंसा या फिर नहीं फंसा मुझे नहीं पता। अगर किसी ने ठान रखे कुएं में कूदने की, नहर में कूदने की, समुद्र में, खाई में कूदने की, तो वो कूद सकता है। उनके लिए भी ऑल द बेस्ट, क्योंकि ठोकर खाने के बाद ही इंसान को अकल आती है।
थिंक अबाउट इट, मेरी सभी बातों पर विचार एक बार जरूर करिएगा। डिसीजन बस आपका खुद का होगा, आपको कौन सी खाई में कूदना है, फूलों की घाटी में या फिर जहर की घाटी में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द